गुड मॉर्निंग। सो अभी हम महिंद्रा शोरूम डिमापुर में हैं, आ चुके हैं, और आज प्रेस्टीज में और मिलियनेयर स्क्वाड में एक और इंसान का ड्रीम पूरा होने जा रहा है। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? यस। ओके, हाउ इज द जोश? हाई सर। ओके ग्रेट। जोश अगर हाई नहीं होगा तो जिस इंसान को हम लोग ये एक अचीवमेंट होने जा रहा है उस इंसान को भी मजा नहीं आएगा, राइट? तो हाउ इज द जोश वंस अगेन? हाई सर। ओके, सो ज्यादा देर ना करते हुए एक इन्फॉर्मेशन, एक बहुत बढ़िया चीज है हमारे बीच में आ चुके हैं, एक नए सदस्य हमारे बीच में आ चुके हैं, एक नए मेहमान हमारे मिलियनेयर स्क्वाड वेस्टीज फैमिली में आ चुके हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा नए मेहमान को दिखाया जाए, काइंडली आप थोड़ा सा साइड दीजिएगा। जो महिंद्रा XUV300 ये नए मेहमान हमारे बीच में आ चुके हैं और मिलियनेयर स्क्वाड का चौथा गाड़ी हमारे बीच में ऑलरेडी आ चुका है, राइट? सो हाउ इज द जोश वंस अगेन? ओके, सो इस मेहमान को जिन्होंने ओन किया है, जिन्होंने अचीव किया है महिंद्रा XUV300 को, अभी टाइम आ चुका है उनसे मिलने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगा सर अरिजीत साहा का। उसके बाद अरिजीत सर के मम्मी, अरिजीत सर के पापा भी हमारे बीच में है और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अपना गाड़ी लेने के लिए जाते हैं और उनके साथ उनके मम्मी और पापा होते हैं। तो अरिजीत सर के मम्मी और पापा को भी मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा आगे आने के लिए। सो गाड़ी जैसे कि अरिजीत सर ने लिया है, अरिजीत सर का ड्रीम कार अभी आ चुका है, जैसे कि अरिजीत सर का ड्रीम कार आ चुका है वेस्टीज को करके, अभी हम लोग सुनेंगे अरिजीत सर के जबानी की अरिजीत सर को कैसा फील हो रहा है और आगे आगे वो क्या सोच रहे हैं वेस्टीज को लेके। ओवर टू यू अरिजीत सर। थैंक यू सर। सोम सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाउ इज द जोश? हाई सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। ओके, थैंक यू सर शुभम मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए कि मैं आज आप सभी के सामने कुछ बोल सकूं। सबसे पहले तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और अंदर से ये एक अलग सा ही फीलिंग है। ये फीलिंग आप तभी समझोगे जब आप ये चीज़ अचीव करोगे। कल रात को सोया नहीं कि आज आके गाड़ी चलाऊंगा बोलते। तो ये फीलिंग बहुत ही अंदर से उबल रहा है। एंड सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा एंटायर मिलियन स्क्वाड के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आज उनके सारे सपोर्ट की वजह से आज मैं इस पोजीशन पे खड़ा हो चुका हूँ। एंड नेक्स्ट मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा वेस्टीज के मैनेजमेंट सर गौतम वाली एंड दीपक सूद एंड कन्वर सिंह सर को कि आज उन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है जिस प्लेटफॉर्म से लोग हजारों लोग आज यहाँ से अपना ड्रीम कार अचीव कर चुके हैं और आने दिन में और भी करने वाले। सो थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट। फिर मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे जो अपलाइन है, मेरे मेंटर भी है सर शुभम को, क्योंकि आज सर शुभम जैसे मुझे गाइड करते हैं, जिस तरीके से गाइड करते हुए आए हैं, उस गाइडेंस के वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे पूरे मिलियनेयर स्क्वाड के विराट कोहली सर लिपन को, क्योंकि आज वो इतने बेहतरीन लेवल से और इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इतनी तेजी से हम सभी को ग्रो करने के लिए मदद कर रहे हैं। तो सर लिपन को मैं थैंक्स फिर से बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सर रूपम को कि उनका जो मैनेजमेंट थिंकिंग है, उस मैनेजमेंट थिंकिंग की वजह से आज हम लोग एक साथ सभी लोग एक साथ हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। सो थैंक यू सर रूपम। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज आप कुछ महीना कुछ साल काम करोगे और आपको ये अचीव हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप इसको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा आपको। जब तक आप इसको कंटिन्यू नहीं करोगे ये अचीव नहीं होगा। कंटिन्यूस मैंने एफोर्ट डाला, जब तक नहीं आया तब तक मैं एफोर्ट डालते रहा। तो इसको कंटिन्यूस एफोर्ट करने की वजह से आज ये गाड़ी अचीव हुआ, मेरे हाथ में ये आज आया। और मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं अपना मोबाइल दिखाना चाहूँगा एक बार। ये रहा मेरा मोबाइल जिसमें महिंद्रा XUV300 का फोटो अभी भी है। ये मैंने 2 साल पहले लगाया था और अभी भी है। आज घर में जाके मैं इस फोटो को चेंज करूंगा और मेरा एक और ड्रीम सेट करके इसके जगह पे मैं लगाऊंगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना ड्रीम को लेके जीता हूँ, मैं अपना ड्रीम को लेके जीता हूँ, इसी वजह से आज ये चीज हुआ। अगर कोई बंदा एक ड्रीम देखता है उसको लेके जीना पड़ेगा, उसके साथ पूरा दिन रात चलना पड़ेगा, एवरी टाइम उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी जाके वो अचीव होगा। और मैंने वही काम किया, अपने लीडर से यही सीखा और यही काम करके आज ये अचीव हुआ। सो थैंक यू ऑल द लीडर्स। ओके, थैंक यू सो मच अरिजीत सर।
अभी हम दो शब्द सुनेंगे उनके पापा से कि उनको कैसा फील हो रहा है। अंकल आपको, आप किसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप दो शब्द बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जोरदार तालियां पापा के लिए, अंकल के लिए। अरिजीत सर के मम्मी हमारे बीच में आए हुए हैं। अरिजीत सर के मम्मी, आंटी आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है आपके लड़के ने, आपका घर का शायद फर्स्ट कार है, तो आपको क्या फील हो रहा है आप वो शेयर कीजिए। एक से खुशी प्रकाश कर रहे हैं, खूब खुशी है, बहुत खुश है। अरिजीत सर के मम्मी बोल रहे हैं बहुत खुश है, और एक्चुअली थोड़े इमोशनल हो चुके हैं, और इमोशनल मोमेंट भी है क्योंकि घर का पहला गाड़ी है और वेस्टिज है, वेस्टिज का सिस्टम है, बोल के आज इतना बड़ा अचीवमेंट हो पाया है। एक बार जोरदार ताली है इन सभी लोगों के लिए। अभी अरिजीत सर को फेलिसिटेट करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा सर लिपन, सर रूपम को, वो अरिजीत सर को फेलिसिटेट करेंगे। ओके, सो एक बार अभी हम लोग सुनना चाहेंगे, जैसे कि सर ने बोला द विराट कोहली ऑफ मिलीनियर स्क्वाड, उनसे हम लोग सुनेंगे। उससे पहले हम सुनेंगे जिन्होंने इस स्क्वाड का गठन किया, जिन्होंने जो एक टॉप लीडर है हमारे मिस्टर रूपम साहा, जिनके वजह से आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, और जिनके वजह से आज हम लोगों को वेस्टिज मिला। तो सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे सर रूपम साहा को, उसके बाद हम सुनेंगे सर लिपन को। तो सर रूपम, ओवर टू यू, आपको कैसा फील हो रहा है आप बताइए। सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत खुश नसीब है कि आज विलेनियम स्क्वाड का चौथा कार डिलीवरी कर रहे हैं, और जब स्टार्ट किया था इतना कुछ सोच के स्टार्ट नहीं किया था जो इतना कुछ हासिल हो पाएगा बोल के। सो इट्स मी रूपम साहा फ्रॉम डिमापुर, वेस्टिज में क्राउन डायरेक्टर। इस सिस्टम स्टार्ट किया था 2.5 साल पहले, और 2.5 साल में करीब करीब बहुत कुछ सक्सेस स्टोरी देखा है, बहुत कुछ तकलीफों को देखा है, मगर क्या होता है ना, जब सारा तकलीफ एक आपका सक्सेस स्टोरी में बदलते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, राइट? तो आज आप लोग को देख रहे हैं कि दिमापुर में चौथा कार डिलीवरी हो रहा है, सर अरिजीत सर ने लिया है। अरिजीत सर को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं सर, पहले एक कोचिंग सेंटर चलाया करते थे, राइट? तो कोचिंग सेंटर में बहुत सारा तकलीफ आया, और सोचा कि सर ने इसको अपग्रेड कैसे करें, बहुत सारा पैसा भी चाहिए था, मगर उस समय एक चीज़ सर बोला सर को, सर देखिए आप जिस बिजनेस में हो बहुत सारा बहुत ठीक है, आप स्टूडेंट को पढ़ाते हो, राइट, मगर खुद का लाइफ भी चेंज होना चाहिए, राइट? और खुद का लाइफ चेंज होकर दूसरा अगर लाइफ चेंज कर सकते हो, एकलौता प्लेटफॉर्म है वेस्टिज, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग। जिस सिस्टम से आज सर ने गाड़ी लिया है आप लोग देख सकते हो, XUV300 मॉडल, राइट, 12 लाख का गाड़ी, 12 लाख का गाड़ी लेने के लिए इतना कुछ नहीं होता, हर कोई सर ले सकते हैं, मगर इस उम्र में लेना ये बड़ा बात, यानी कि बहुत बड़ा बात है, राइट? सर का उम्र कितना साल है? 25, राइट? आप खुद सोचिएगा 25 साल की उम्र में 12 लाख का गाड़ी, वो भी खुद का बदौलत से सर चला रहे हैं, राइट? सो बहुत बहुत थैंक यू सर। लास्टली एक मैसेज आप सभी लोग को देना चाहते हैं, अभी देखिए सोचने का टाइम नहीं है, राइट? जब सोचोगे करोगे, सोचने का टाइम चला गया, अभी आपको करना है, ये मायने नहीं रखता आप किस पोजीशन पे हो, अभी किस हालत में आप लोग गुजर रहे हो, ये मायने नहीं रखते, मायने ये रखते हैं आप आने वाला 5 साल में आप खुद को किस पोजीशन में देखना चाहते हो, ये मायने रखते हैं, राइट? सो थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच। मैं इनवाइट करूंगा सर लिपन को कि वो आए और दो शब्द बताए हमारे पास, हमारे बीच में शेयर करें कि उनको कैसा फील हो रहा है, और वो कुछ मैसेज हमें दे। लिपन सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। इट इज मी लिपन सर, यू आर ग्राउंड डायरेक्टर वेस्टिज, एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज, और बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज से करीबन करीबन 2 साल 9 महीना पहले एक रूम के अंदर, मतलब एक रूम के अंदर एक लीडर के घर में पहली बार हम लोगों ने वेस्टिज को ज्वाइन किया था, और करीबन करीबन वहाँ पे 5-6 लोग बैठा था जिसने डिसीजन लिया था कि यहाँ पर जिंदगी में कुछ अलग करना है। एक डिसीजन हम लोगों ने उस रात को लिया था, रात का 11 बजे बैठ के, कि आपने जिंदगी को नॉर्मली नहीं लेना और डिफरेंट वे में, और लोगों का जिंदगी को भी बदलना अपने साथ साथ। और उस दिन वहां से निकल के जो हम लोगों ने मेहनत करना शुरुआत किया, और आज अपने सामने खुद का गाड़ी तो आया है, चलो बहुत खुशी है हम लोग, लेकिन उसके साथ साथ जब अपने टीम से गाड़ी आना शुरुआत हुआ एक के बाद एक, जैसे रूपम सर ने अभी हम सभी को बोला ये मिलेनियम स्क्वाड का चौथा गाड़ी है, और मैं भी अरिजीत सर को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा इसके लिए। देखिए दोस्तों, ये आसान तो नहीं है, अगर कोई सोचेगा कि मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया और मैं घर बैठे बैठे मेरे को गाड़ी आ जाएगा, जिंदगी भर में गाड़ी आना पॉसिबल नहीं है। आज जो अरिजीत सर का गाड़ी है इसके पीछे दिन रात मेहनत है, बहुत सारा दिन ऐसा गया होगा जिस समय अरिजीत सर ने खाना टाइम पे नहीं खाया होगा, उन्होंने बहुत सारा ऐसे समय किया होगा जो बारिश में उन्होंने भीगा होगा, बहुत सारा लोगों का बात सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो उनके ऊपर हंसा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो उनका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक चीज है,
अगर आपने हमने डिसीजन ले लिया हमें करना ही करना है तो दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमें रुका सकता है। सारा चीज हमारा माइंड के ऊपर जाता है कि हम चाहते क्या है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आज एक 25 साल का लड़का अपने मम्मी पिताजी के साथ आके एक 12 लाख का गाड़ी वाली गाड़ी जो डिलीवरी ले रहे हैं, मामूली बात नहीं है। लोग देखिए, लोग बहुत सारे लोग हैं जो बाहर में गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन 25 साल की उम्र में खुद के बदौलत इस गाड़ी को अचीव करके लाना ये बहुत बड़ा बात है। और आने वाले दिन में अरिजीत सर ऐसे भी प्लानिंग करें कि अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा गाड़ी अचीवमेंट करा सके। दोस्तों ये सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जितना भी लोग आने वाले दिन में इस वीडियो को देखेंगे, कि यहाँ पे सिर्फ एक इंसान का सपना पूरा नहीं होता है, यहाँ पे एंटायर टीम जो जो लोग हमारे साथ जुड़ते हर किसी का सपना पूरा होता है। सिर्फ एक चीज है, सपना देखना पड़ेगा और उसको लेकर हमें मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके सब पॉसिबल है। लास्ट में आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा, जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देता है। हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी वेस्टेज को मिला है और हमने ऐसे अपॉर्चुनिटी को इसको ग्रेप किया था। देखो बार बार बोला जाता है कि अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक योर डोर अगेन एंड अगेन। बार बार आपका घर का दरवाजे पे दस्तक नहीं देगा अपॉर्चुनिटी। अगर आपका घर के दरवाजे में कोई भी वेस्टिजियन मिलने स्क्वाड से अगर आता है और आपको वेस्टिज के बारे में समझाता है, और अगर आपको कोई दस्तक नहीं दे रहा और आपको जानना है, किसी भी लीडर के साथ मिलने स्क्वाड में आप ज्वाइन हो जाइए, मैं गारंटी दे सकता, किसी भी लीडर, इट डज नॉट मैटर, कोई भी लीडर हो सकता है, लेकिन अगर आप मिलने स्क्वाड टीम के साथ ज्वाइन होते हो, मैं इतना गारंटी आप सभी को दे सकता, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आप सभी का जो सपना लेके आप वेस्टिज को ज्वाइन करोगे, सारा एक के बाद सपना पूरा होता रहेगा। और लास्टली एक चीज बोलना चाहूंगा, 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री कर लेना। देखो ऐसे भी क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ने के लिए 12 साल लगता है, ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल करीबन 15 साल लगता है। आज 15 साल पढ़ के एक लड़का लड़की बोल नहीं सकता मैं मार्केट में जाके मेरे को 10 से 15 हजार का नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इतना गारंटी है कि अगर आप मन देके विशेष को ज्वाइन करके दिन रात अगर मेहनत करोगे, 3 साल इसमें समय दे दोगे पूरा 100% फोकस के साथ, 3 साल के अंदर में 1 लाख का चेक मिनिमम और 1 4 व्हीलर आपके पास जरूर रहेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो वीडियो अभी यहीं पे खत्म हो जाएगा, उससे पहले मैं कुछ बातें और शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वेस्टिजियंस हमारे साथ हैं, करीब करीब 30 से 40 वेस्टिजियंस हमारे साथ हैं, और उन सभी के सामने आज जो मैजिकल की है वो उसको हैंड ओवर करेंगे हमारे महिंद्रा के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर रोमनदीप सर को कि वो की हैंड ओवर करें अरिजीत सर को। एक बार जोरदार तालियां। ओके फोटो फोटो ओके सो एक और गाड़ी ऑलरेडी हो चुका है, और आने वाला महीने में भी कमिंग मंथ्स में भी और भी गाड़ी आ रहा है, बने रहिएगा। अगर आपको ड्रीम्स पूरा करना है, अगर आप पार्ट टाइम में करना चाहते हो, फुल टाइम में करना चाहते हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो वेस्टिज में। और आज हम जितने वेस्टिजियंस यहाँ पे मौजूद है, क्यों ना एक प्रॉमिस अपने आप से करके जाते हैं कि अगला 1 से 2 साल के अंदर हमारा ड्रीम कार हमारे सामने होगा। यस और नो? यस। ग्रेट। सो लास्ट एक ही बात बोलूंगा कि कहाँ पड़े हो किसी और के चक्कर में, कोई नहीं है वेस्टिज के टक्कर में। यस और नो? यस। ग्रेट। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल, हैव अ गुड डे।